أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لذات قابل احترام طلبہ قرآن و معزز خواتین و حضرات السلام علیکم. آج مرحلہ 6 فروری 2023 ہے اور آج ہم انشاءاللہ اپنے درس قرآن کا آغاز جو ہے वो सूरह अल कमर है, कुरान करीम की सूरत नंबर 54 है, 54 नंबर है, वहां से आगाज कर रहे हैं. तो रब्बी अरहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उकदतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून. ये जो सूरत मुबारक है, मैंने बताया था ये 50 से शुरू होकर 56 तक ये 7 सूरतों का एक सेट है. और ये जनाब रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का के अंदर वही नाजिल हो रही थी, वो इनकलाब की नबी दे रही थी. मुखालिफीन जो थे बड़ी शिद्दत के साथ मुखालिफत कर रहे थे इस अल्लाह की किताब की. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े दलील के साथ, दलायल के साथ और रीजनिंग के साथ उनको मुख्तलिफ बातों के मुतल्लिक, कायनात के मुतल्लिक, जमीनी हकायक के मुतल्लिक बताते चले आ रहे. लेकिन वो इतने अड़ियल थे, इतने सांगदिल थे कि वही की तरफ तो उनका ध्यान जाता ही नहीं था ना. ये पीछे में सारी इन जो आयत सूरतें पढ़ी हैं उनमें ये आए हैं, मुकात आए हैं. और खासतौर पर नजम के हवाले से हमने देखा कितनी बातें अल्लाह ताला ने उनके साथ जो है वो इनके साथ जो मुकालमे या मुजाकरे या जिद्दोजहद जो चल रही थी, बेशुमार आयात बेशुमार तरीकों से समझाते रहे उनको. लेकिन वो कौम की भीड़ थी कि कुरान की तरफ नहीं आई, बहुत कम लोग आए थे मक्का के अंदर खासतौर पर. यानी उनके साथ बड़े बड़े मुजाकरात होते रहे, नहीं आए वो. तो इसी का यह तसलसल है, यह सूरह जो 54 है ना, ये इसी का तसलसल है. और इसको इंशाल्लाह देखते हैं और इसके लिए थोड़ी सी बैकग्राउंड जरूर चाहिए हमें समझने के हवाले से. ये क्या है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, पढ़े जरा शुरू करें. इक्तरबत सातु वंशकल कबू आयातन युरिदू वयकूलू सिहरुम मुस्तमिर. द लास्ट आवर ड्रॉज नियर एंड द मून इज स्प्लिट असंडर, बट इफ दे हु रिजेक्ट ऑल थॉट ऑफ द लास्ट आवर वर टू सी अ साइन ऑफ इट्स अप्रोच, दे वुड टर्न असाइड एंड से एन एवर रिकरिंग डिल्यूजन. ये जो आयत मुबारक है, एक तारबत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पीछे से जो हमने 4 सूरतें पढ़ी है ना, मुख्तलिफ मुकामात देखे हैं हमने, उसमें ये बातें चलती आ रही है और इसी का तसलसल है. यानी ये आप समझ लें कि नुक्ता जो रूज है ना, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये तंबीह करते चले आ रहे थे, वो टाइम आना है, उससे पहले पहले तौबा कर ले इंसान, सरेंडर कर लो, अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह की किताब की तरफ नहीं आ रहे. तो इसी का तसलसल है और इसको जो है वो अल्लाह ताला ने अब ये एक खास मुकाम पर लाके ये बातें की जा रही. बहुत जबरदस्त सूरत है, ठहर ठहर के पढ़ेंगे इसको, जल्दीबाजी नहीं, एक लफ्ज के अंदर जो है ना बहुत मानी इसके अंदर पिना है. तो फरमाया कि एक तारबत सा, करीब है वो सा कहते हैं वो घड़ी, वो टाइम, वो वक्त के जो आके रहने. अभी इसका इशारा देखेंगे, मुफ्ते हवाले भी आएंगे सामने. सा हमने तो हर चीज ना क्यामत पर छोड़ी है, करीब करीब क्यामत करीब आ पहुंची और चांद शक हो गया, ये तर्जमा हम करते हैं. करीब आ चुकी तो क्यामत, तो आप आज कहाँ है क्यामत, जिसको हम जेम डे और जजमेंट कहते हैं, वो तो अभी तक नहीं आया. जब हर चीज फानी हो जाएगी, हर चीज खत्म हो जाएगी,
तो वो तो अभी टाइम नहीं है, तो करीब क्या होगा फिर? ये है सोचने वाला मुकाम। एक तारा बा कर कुर्बत भी सही है, करीब भी सही है। सा यानी उनको जो बताया जा रहा था मुखालिफिन को कि वो घड़ी जो है, वो टाइम जो है जिसकी मैं तुम्हें कह रहा हूं कि वो आके रहना है, अगर तुम बाज ना है अपनी रवि से तो वो इंकलाब बर्पा होके रहना है। ये इंकलाबे मक्की की बात हो रही है, इंकलाबे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस इंकलाब की बात कर रहे थे उसकी बात हो रही है कि वो टाइम जो तुम्हें कहा जा रहा है कि तुम अजाबों में मुबतला हो जाओगे, तो उससे पहले फिर तुम आ जाओ इसकी तरफ। ये देखे ना ऊपर भाई आयात जो हमने कल देखी थी, 54, 54 नहीं 53, 53 की आयत नंबर 56, इसमें क्या फरमाया था अल्लाह ने, 53 की 56 जो हमने कल पढ़ी, ये जी जो दो हाजा, तीन दिन पहले पढ़ी थी हमने, तो जी फरमाया हाजा नजीरुम मिनल नुज़ुरिल ओला। ये उनको बताते चले आ रहे थे मुख्तलिफ अंदाज से, पिछली सूरत में भी और इस सूरत के अंदर भी मुस्लिम कौमों के अहवाल, जनाब नूह अलैहिस्सलाम का वाकया, समूद और आद की बस्तियों के मुतालिक, और जनाब इब्राहिम और जनाब मूसा सलाम अलैहि, उनके अहवाल वाकया तो बताते चले आ रहे। तो 56 में आगे ये जो 53 की 56 कहता है हाजा नजीरों में नजुरिल उला, यानी ये जो रसूल है ये भी पहलों की जगह ये नजीर है, बता रहे हैं आपको बात, यानी कुरान करीम का जो इनकलाबी दौर या इनकलाबी पहलू है ना वो हमारे सामने आए ही नहीं। हमने तो उसको जो हमारे अपने ना खुद राशीदा मामला भरे हुए वाकयात उसमें हम इसको ले जाते हैं, तो पर समझ के आना है कुरान। ये जो इनकलाब की बात हो रही है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्पा करना चाह रहे थे, तो उनसे कहा जा रहा है हाजा नजीरुम मिन नुज़ुरिल उला, ये वादे है जैसे पहले भी वादे रहे हैं, ये आपको आगाह कर रहे हैं। आजिफतिल आजिफा, यानी जिस घड़ी की वो बात कर रहा है, जिस इंकलाब की वो बात कर रहा है, वो तो आना ही चाहता है, आ ही रहा है। ये उस इंकलाब की बात हो रही है जो इस्लामी इंकलाब बर्पा करना वो चाह रहे थे ना, लेकिन स्टेजेस जरा स्लो होती है, इंकलाब फौरन ही आ जाते, वो घड़ी वहां तक पहुंचते 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 जो है ना खून पसीना करना पड़ता है। उसको अल्लाह कह रहा है आजीबा तिल आजीबा, वो इंकलाब बर्पा होके रहना, वो घड़ी आके रहनी। लेकिन हम चूंकि हमने छोड़ा हुआ सारा कुछ क्यामत के ऊपर, तो जमीनी हकायक जो है जमीनी मामला समझ कैसे आएंगे आपको? इस इंकलाब इस्लामी चला रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनके लीडर थे, किस तरह वो उनको समझाते चले आ रहे हैं, और मोमिनीन जो थे समझने वाले वो साथ जुड़ते चले जा रहे थे। तो कह रहे थे आजिफा तिल आजिफा, वो आके रहना वक्त, वो घड़ी, वो सा, और उसके आने में लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफ, किसी के पास ताकत नहीं है दुनिया में, कोई ऐसी ताकत नहीं कि उसको रोक ले। काशिफ होता है दूर करने वाला, रोक नहीं सकता, दूर कर नहीं सकता, उस घड़ी को लुटा नहीं सकता। तो ये बात तो उनको बाबर कराते चले आ रहे हैं, लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफ, और इन बातों से कि तुम्हें ये बातें बताई जा रही है आप मिन हाजल हदीस इतना आजाबून, तुम्हें बड़ी ताज्जुब अंगेज लग रही है, तुम्हें अजीब लग रही है बातें जो मैं कह, जो मेरा रसूल कह रहा है, जो मेरी हदीस बयान कर रहा है, जो बात कह रहा है वो कि इंकलाब बर्पा होके रहने, तुम्हारा एक दिन वो योम हिसाब आना है, उन मुखालिफिन को बात आ रही है, लेकिन क्यामत के रोज की बात नहीं हो रही। लेकिन हमारा तस्वर क्यामत को ये जमीन से तो ताल्लुक नहीं है हमारा। आफमिन हाजल हदीस ताजाबून ताजाबून, तुम्हें ताज्जुब हो रहा है ना, ये कैसी बातें कर रहा है, बताज हकून अबला तबको, आज तो तुम खुशियां मना रहे हो ना, आज तो तुम हंसी उड़ा रहे हो, तुम्हें ये रोने का मुकाम है, वो आ रही है घड़ी, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे, लेकिन वो जो कौम थी वो क्या कर रहे थे, हंसी उड़ाना मजाक उड़ना, तज़हकून वला तबकून, रोते नहीं हो तुम इस बात पर, रो के वो घड़ी आ रही है वो तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगी, ये कह रहा है कुरान। वो जब घड़ी आती है ना,
फिर रुकती नहीं है वो, एक साथ भी आगे पीछे नहीं होती वो घड़ी, ऐसी होती। जब देखे ना बाज बात हमारे ऊपर भी घड़ियां आ जाती हैं, वो कहते हैं कोई घड़ी कैसी, कोई घड़ी कैसी होती है यार, मुंह से बात है निकाला करो, ये हमारा मुहावरा भी यहां चलता है। घड़ी वो वक्त है, वो सा उसको कहते हैं जो एक वक्त वक्त मैयन है उस काम का, हो के रहना। तो अल्लाह हमारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताते चले आ रहे हैं, ये पीछे से ये अजाब की नवीद है उनके लिए कि तुम बाज आ जाओ अपनी हरकार से। वतज़हकून बला तबकून, तुम रोते क्यों नहीं हो अपनी हालत ज़ार पे, छठे कर रहे हो। वान तुम सामिदो, तुम बड़े ही गाफिल हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे साथ होने वाला क्या है। तो अल्लाह फरमा रहे वह अंतुम सामिदून फसजुदुलिल्लाही वअबुदू। ये आखिरी पैगाम था, आखिरी आयत जो है ना ये बहुत जबरदस्त आयत है, वाइट है पे सारा जोर इसके अंदर आ गया। यानी इतनी बातें कही उन्होंने, इतनी बातें कही, तो अल्लाह कह रहा है फसजुदू, आप झुक जाए इसके आगे, ये जो बात आ रही है, और अल्लाह के अबद बनो, ये कह रहा है कुरान, अल्लाह के अबद बनो, हठधर्मी छोड़ो, गफलत पन छोड़ो। और हमें भी ये बताया जा रहा है आज भी, ये आयतें ये थोड़ा वो खत्म हो गई है, इसकी अफाजियां खत्म हो गई, अफाजियां से खत्म होती है इनकी, ये क्यामत तक चलनी है। ये सूरत बताएंगे मेरा कौन सी सूरत और आयत नंबर? ये 54 सूरत आयत नंबर इसकी बंद शुरू की है सूरह अल कमर। सॉरी मैं ये आयत जो है ना हसीब भाई, ये 53 के हम पढ़ रहे थे, 53 ये ऊपर उसके, हां जी हां उसके ऊपर की आखिरी आयत है 60 जो आया ना, ये जो आयत पढ़ रहे हैं ये सूरह 53 की, मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ जो हम पीछे पढ़ के हैं उसको, इसके साथ जो हम अपने सूरत पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अल्लाह ने बहुत जगह कुरान मजीद में फरमाया है कि जब वो सा आ जाती है ना, सा हम सा का मतलब वो टाइम है, सा जो यानी घड़ी जो है अजाब की कौमों के ऊपर, उसके उसके मतलब अंबिया वार्निंग करते चले जाते हैं, तो समझाते चले जाते हैं, लेकिन जब वो सा मसलन ये जैसा जिस तरह हम ये दूध है पानी है उसकी देखती रखते हैं, तो देखो फौरन तो नहीं हो जाता पानी गर्म, लेकिन उसके अंदर हरारत आनी शुरू हो जाती है, वो अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है पानी, हरारत उसकी दूध है यकदम नहीं वाला आ जाता, वक्त लगता है। तो इसी तरह वो इनकलाब के इनकलाब बर्पा करने के हवाले से वो बता रहे हैं कि वो घड़ी आगे रहनी है और वो दूर नहीं है, एक तारावत हिस्सा वो तो करीब है, आया ही चाहता है वो। तो अपनी रविश को बंदा बजाय इसके कि दुरुस्त कर ले ठीक कर ले, इंसान जो है और हाथ धर्म हो जाता है, वो कहता है देखे है, देखा जाएगा, लाओ तुम जल्दी में जाता है। ये भी कुरान करीम में बहुत सारे आए मुकाम, वो जल्दी करते थे जो कुफार थे, कौमें जो हठ धर्म होती है वो कहती लाओ यार तुम ले आओ, रोज ही सुन में डराते रहते लाओ जब कब कब लाना। तो उसके मतलब अंबिया कहते थे भाई ये हमारे बस में नहीं है, ये अल्लाह ताला की इल्म में है कब आना है, वो घड़ी कब आनी है, सा उसको कहते हैं। तो ये देखे मैं आपको एक आयत दे रहा हूं, ये 16:61 पढ़े भाई, सा के मतलब सा वो घड़ी वो टाइम, ये 16:61 पढ़े, ये मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड आप मैं लेके जा रहा हूं चीजों की, फिर ये आसान आसान हो जाएगी, बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन समझना थोड़ा सा सब्र मांगता है, जहन को खोलना पड़ता है, एक एक लफ्ज है, एक एक लफ्ज सूरत आगे आएगी, एक एक लफ्ज छोटे छोटे बोल है लेकिन इस कदर उसके अंदर मानी है कि उसके लिए थोड़ा सा सब्र भी चाहिए, थोड़ा सा विजडम भी चाहिए, समझ आती है। ये पढ़े 16:61 If God were to take men in
immediately to task for all the evil that they do on earth, he would not leave a single living creature upon its face. However, he grants them respite until a term set by him, but when the end of their term approaches, they can neither delay by a single moment nor can they hasten it. बहुत जबरदस्त बात है ये। अल्लाह फरमा रहे हैं कि वलाउ युआखिज़ुल्लाहु नासा बिज़ुल्मे, कि अगर अल्लाह तबारक व तआला अन्नास को यानी हमें इंसानों को आ जा रहा उनके जुल्म की पादाश में पकड़ना शुरू कर दे कदम कदम पे जो हम करते हैं नाफरमानी, कि अगर पकड़ जल्दी आ जाए ना, माँ तारा का आ रही हम इंदा अब्बा रोए जमीन पर बचे कोई ना। लेकिन अल्लाह क्या कहते हैं, वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा, ये उसकी रहमत है कि वो क्या करता है, ढील देता है लोगों को, टाइम देता है एक अजल मुसम्मा यानी एक टाइम पीरियड मुकर्रर कर रखता है वो, कि अगर ये बाज ना है तो प्लान टाइम पे जाएगा ये बारूद का गोला जो उड़ जाएगा। अजल मुसम्मा यानी वो घड़ी, वो टाइम पीरियड, वो वाला कि युअख्खिर हूं इला, लेकिन वो उसको ताखीर करता रहता है, वक्त की मोहलत देता है। ये कौमों के जैसे हमें 75 साल तो हो गए ना संभलेंगे तो ये सफा से मिट जाएगी ये कौम, ये कौम तो है ही नहीं, ये तो भेड़ी भेड़े भेड़े हैं और है चल फिर रहा बस, वैसे ही कौम ही नहीं है जिनको कौम कहना जो है ना वो तोहीन है कौमों की। तो इसलिए अल्लाह हमारा है बलाउ युआखिज़ुल्लाहु नासा बिज़ुल्मिहिम मा तरका अलैहा मिन दाअबतिन वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा। एक टाइम पीरियड होता है, एक वक्त मुय्यन होता है, उस तक ताखीर करता है, टाइम देता है अल्लाह तबारक व तआला के शायर ये समझ जाए, शायर ये समझ जाए, शायर ही अपना रुख चेंज कर ले। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि चूंकि ये रुख चेंज करने की तरफ आता ही नहीं है, तो अल्लाह कहते हैं फाइजा जा आजा लो हूं, कि जब वो अजल आ जाती ना, वो बात जो ठह चुकी होती है, तो कहते हैं ला यस्ता खेरुना सा आदम वला यस्ता कदीम हो, एक सेकंड का वही आगा पीछा नहीं होता, तो घड़ी वही स्टॉप बाज हो जाती है, रुक जाती है उसी वक्त। ला यस्ता खेरों के जब वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है ना, लेकिन ये वक्त लगता है वो घड़ी आने में भी, फौरी नहीं पकड़ता वो, फौरी पकड़े फिर तो बचे कोई ना। ये अल्लाह ताला के ये कानून इलाही है कि एक टाइम देता है, उस टाइम के बाद फिर वो जब वो तनाव में खेचता है ना, फिर नहीं वो चीख भी निकलती इंसान, बस देर एंड देन ही फर्क, बड़ी कौमों के साथ हुआ। तो यानी सा जो है, सा सिर्फ क्यामत को नहीं कहते, ये हमारे यहाँ जो तस्वर आद है ना, हर चीज क्यामत में छोड़ी है हमने। तो अल्लाह फरमा रहा है कि वह किसी चीज की जब वो अजल वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, तो ला यस्ताखिरुना सा यानी वो एक सेकंड भी, ला यस्ताखिरुना सा वला यस्तकदिमु, ना ताखीर होती है ना आगे होती है ना पीछे होती है, देर एंड देन वो बिल्कुल खत्म कर देता है, उधर ही वॉच उसको स्टॉप वॉच कर देता है। ये है अल्लाह सा मीन क्यामत नहीं है, ये जो फरमाया ना एक कतारा बतिसा कह रहे थे उनको कि सजदा साजिद हो जाओ, अल्लाह के सामने झुक जाओ, उसकी अब्दीत अख्तियार कर लो, फसजुदू वअबुदूहु, नहीं किया जिन्होंने किया वो तो बच गए ना, वो तो कामयाब हो गए, और जिन्होंने यानी जिन्होंने किया वो तो कामयाब, जिन्होंने नहीं किया फंस गए उनकी। फिर आपने देखा जंगे बदर में क्या उनकी फिर गर्दरे उड़ी उनकी, जो बहुत अकड़ू थे अपने आप में मुस्तकबरीन। तो अल्लाह कह रहा है एक तारा बात सा, ये उसके साथ मिलती है सूरत, ये रिलेटेड सूरतें हैं, ये नहीं कोई नई बात शुरू होगी, बातें वही पीछे चलती आ रही, उनको बताया जा रहा था कि देखो ये घड़ी आनी है, तुम अपना रवैया दुरुस्त कर लो, वो अजाब जो है आना है। ये सूरत तूर में भी हम पढ़ के आए थे 7 और 8 में,
इन्ना अजाबा रब्बी का लवाकिउ मालहु मिन दाफे। उनको बताया जा रहा था कि ये तो हो के रहना है, अजाब तो वकूफ फिर होना है, कोई कोई नहीं उसको रोक सकता। तो ये एक तारा सा जो है वो उस घड़ी की बात हो रही है। जैसे मैंने बताया ना कि पानी को गर्म जब करता है इंसान या दूध को, एक बॉइलिंग पॉइंट है उसका, फौरन नहीं आता, लेकिन वो शुरू हो जाता है उसके अंदर तब्दीली आनी, तब्दीली शुरू हो जाती है, वो हीट पैदा होनी शुरू हो जाती है। यही होता है इंकलाब का, इंकलाब या एकदम बर्बाद बड़ा होते हैं, पीछे से चल रही होती है मूवमेंट। तो ये नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जुद्दोजहद है, जो मूवमेंट है उसकी बात हो रही है, वो बता रहे हैं उनको कि तुम अपना रवैया दुरुस्त कर लो, वो वक्त तो आगे रहना है, वो ताखीर नहीं हुई जब वो आ गया। ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून साअ, इसमें बहुत ही जबरदस्त ये दो बातें आई हैं। एक तो ये कि वो इनकलाब की घड़ी की बात कर रहे हैं, वो आके रहना, आके रहा, फिर वो सब सारा निजाम उनका तलपट कर दिया गया, देखते ही देखते चंद ही सालों में। लेकिन वो कठिन मराहल होते हैं, यकदम नहीं होता, बड़ी मुखालफत होती है उधर से, ये पानी वो गर्म होने थपेड़े खाने पड़ते हैं उसको, दूध है पानी है ये, उसको जब तक वो प्रोसेस मुकम्मल ही होगा, वो नुकता जो उसका वो तो लेट आता है लेकिन आ जाता है वो। यही तो कह रहा है अल्लाह तबारक कि तुम एक तो जल्दी तुम चाह रहे हो, जल्दी ना मचाओ, यस्ताजिलू ना का, ये कई जगह कुरान मजीद में आया, उजलत उजलत ना करो। और दूसरा ये इसके अंदर जो एक बात है, वंशकल कमर, ये दो चीजें इन्होंने बहुत बड़ा बनाया इसके ऊपर। मैं इसे बता दें सबको कि वापस वो 54-1 की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल कमर पे चले 54 कमर सोयल कमर पे कि दो चीजें हैं बहुत ही समझने वाली है। कुरान रीजनिंग की बात करता है, कुरान करीम कोई जंतर मंतर नहीं है, वो अपनी हिकमत अमली बताता है, वो इंकलाब कैसे बर्पा होते हैं, क्यों कर बर्पा होते हैं, घड़ी कब आती है। तो वन शक्ल कमर, ये जो शक्ल कमर है ना हमारे यहाँ सदियों से चलता आ रहा है, हमारे जो मजहबी पेशवाइयत की तरफ से ना, इसी तरह जब हमने वो सूरह नजम शुरू की थी तो उसमें भी वो सारा वाकया मेराज है वो इसमें लाए। वो देखना ये कुरान करीम के अल्फाज क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, इस पर गौर करने की जरूरत है। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा जो है ना वो वाकया चलता आ रहा है हमारी उम्मत के अंदर, खास तौर पर ये अहदीस में कहते हैं आया, उन्होंने नकल किया बुखारी में या मुस्लिम में, ये वाकया उसको कहते हैं शक्कुल कमर। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं उंगली की चांद को तो चांद दो टुकड़े हो गए। अब देखें जरा इसकी तशरीह कैसे चल रही है हमारे जहनों में, इस तरह वो खुशी हुई चीज है। इसके दो स्कूल ऑफ थॉट था, एक तो ये कहता है जो रिवायती या ट्रेडिशनल जो लोग है ना वो ये कहते हैं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ यूं उंगली की तो जो चांद था वो दो टुकड़े हो गया, और वो पहाड़ के ऊपर जब आया गिरा तो आधा पहाड़ के एक जानब या जबले नूर या गारे हिरा की बात करते हैं, एक टुकड़ा इस तरफ हो गया, एक टुकड़ा पहाड़ के दूसरी तरफ चला गया, चांद दो टुकड़े हो गए। ये बहुत बड़ी इस पे बड़ी बहुत ज्यादा इसकी जो है ना वो ये नहीं प्रोपेगेशन बताया गया। फिर या फिर दोस्त एक दूसरी तस्वीर ये कहते हैं कि चांद जो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आधा टुकड़ा हो गया, एक बगल से गुजर गया, दूसरा टुकड़ा एक बगल से गुजर गया, ये बताते हैं तशरीह। और ये बड़ी गौरतलब बात है, ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि हमने जहन तो देना नहीं कुरान को। कुरान ने कहा कि अफला यता दब्बा रूना कुरान, तुम कुरान पर गौर क्यों नहीं करते, कभी गौर किया तुमने, हम अला कुलूबिन अकफालुहा, तुम क्या करते हो, तुमने दिल दिमाग के ऊपर तालाबंदी की है। वो मौजा तलब करते थे वो मुखालिफीन, लाओ को निशानी, लाओ कोई मौजा फिर हम ईमान लाएंगे। तो अल्लाह ने कहा अगर ये मौजा ले भी ईमान ना लाए तो फिर क्या करेंगे। अल्लाह ताला दूसरे की अकल को माउफ करके नहीं मनवाता कोई चीजें,
आजिज कर देना दूसरे की अकल, अकल तो खोलता है, वो तो कहता है अकल इस्तेमाल करो अपनी, तदब्बर इस्तेमाल करो, तदब्बर की जो है ना वो दुबर, वो जरिया बताया अल्लाह ने, अफला ही तदब्बर उनल कुरान हम अला कुलूबिन अकफालु। हाँ कभी गौर किया आपने, वन शक्ल आ गया उसके अंदर, तो आप उस पर डट गई कौन, आप उसके खिलाफ बात करके दिखाए कोई, यानी दुनिया के अंदर चांद तो एक ही है ना, सूरज भी एक ही है, जो हमें नजर आ रही दो चीजें, अगर वो कहीं ऐसी बात हुई है नीचे आ गया है तो क्या दुनिया को किसी को नहीं पता चला, इतना बड़ा मौजा हो गया, दुनिया देखा होगा ना, ये तो नहीं कि नहीं देखा, काम उसका मुखालफ ही देखा है, जो मुखालफ ये डिमांड कर रहे थे लाओ 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 मौजे लेके आओ, तो वो तो देख रहे थे ना सारा सीन, उनके सामने भी नहीं आया वो, तो जब अगर हो गया तो उन्होंने ईमान क्यों लेके आए वो जो डिमांड कर रहे थे, क्या वो ईमान ले आए थे, सारा मक्का हो गया था सारने को उस मौजे के सामने, मौजा होता है आजिज कर देना किसी को, अकल को मार देना, लेकिन कुरान अकल को मारता नहीं है, अकल को जिला देता है, वो कहता है अकल को जिला, अकल इस्तेमाल करो, तफक्कर करो, तदब्बुर करो, ताकुल करो मामला के ऊपर। और दूसरा जो तबका है ना, दो स्कूल ऑफ मैंने थॉट बताए आपको, एक स्कूल ऑफ थॉट ये है ट्रेडिशन जो कहते हैं कि वो चांद को ये उंगली की दो हो गया, ये कुरान का वाक्य नहीं है, ये शक्ल कमर जो है ना ये इसका मतलब ये है कि वो दो टुकड़े हो गए, वो तो वैसे ही है जैसे था। तो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट जिसने उसको बड़ी शिद्दत से जो है ना वो मुखालफत करता है उस पहले नजरिए के, अपने आप अपना नजरिया पेश करता है, वो कहता है ये उनकी ये जैसे कहता है हाइपोथेसिस समझ लें, जैसे एक प्रेजम्पशन समझ लें, वो ये कहता है कि अरब जो थे ना अरब, उनका जो झंडा था ना उसमें वो चांद बना हुआ था, झंडा कौम की निशानी होती है, जैसे हर मुल्क का फ्लैग होता है वो एक किस्म की निशानी होती है उस मुल्क के हवाले से, जैसे हमारा है सारी दुनिया के हर हर मुल्क का झंडा होता है, झंडा उनकी निशानी होती है ऑनर की। तो वो दूसरा ग्रुप ये कहता है कि वो जो था ना अरबों का झंडा वो उसमें चांद बना हुआ था, तो ये चीज उधर जा रही है कि एक वक्त आएगा कि वो जो आपका झंडा है वो नीचे गिर जाएगा जमीन पे, जमीन बोस हो जाएगा, वो तुम्हारी सल्तनत जो है शान और शौकत जो है वो खत्म हो जाएगी। दो स्कूल ऑफ थॉट है, एक ये लेता है रीजन देता है, लेकिन रीजन कुरान के अंदर नहीं चाहिए, ये जो चीजें ये जो आयात होती है ना अल्लाह ताला ने, ये मैं आपको बताता हूँ, तीन निकालें ये आले इमरान, थोड़ा सा थोड़ी सी बैकग्राउंड होगी, जल्दी नहीं करनी हमने भागने की, ठहर ठहर के आप समझ समझ के इंशाल्लाह चलें, क्योंकि मुकाम इसके अंदर बहुत आने हैं। ये देखें मैं आपको एक सूरह आले इमरान की आयत पढ़े जरा, आयत नंबर में है ये इसका सात होगी, छह या सात है, सात पढ़े जरा, ये प्रिंसिपल दिया अल्लाह तबारक व तआला। बाज आयात आने के इनकी मुहकम है, मुहकमीन के वो बिल्कुल क्लियर कट नजर आती है उसके, उसमें किसी किस्म का जो है ना वो जरा सा भी डाउट नहीं है, डाउट तो पूरे कुरान में ही नहीं है, यानी इंसान बजाय पढ़ने में भी देखने में भी वो हुक्म होता है, यानी मोहकम आयत है, क्लियर कट दो टोक, और कुछ आयात जो है वो मुतशाबे लाने के ही, मुतशाबे को जब आप मोहकम के नीचे रख के पढ़ेंगे दोनों वो मोहकम बन जाए, समझने का सिर्फ आँख की बिनाई को दुरुस्त करने का काम है। पढ़े राय थे तीन बड़ा साथ والذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب।
He it is who has bestowed upon thee from on high this gift, containing messages that are clear in and by themselves, and these are the essence of the divine writ, as well as others that are allegorical. Now those whose hearts are given to swerving from the truth go after that part of the divine writ which has been expressed in allegory, seeking out what is bound to create confusion and seeking to arrive at its final meaning in an arbitrary manner. But not save God knows its final meaning. Hence those who are deeply rooted in knowledge say, we believe in it, the whole of the divine writ is from our sustainer, albeit none takes this to heart save those who are endowed with insight. अल्लाह ने बड़ी शानदार या बड़ी क्लियर कट बात की है। कहता है कि अल्लाह वो जात है, हुवल्लज़ी अनज़ला अलैकल किताब, कि अल्लाह वो जात है जिसने इस अल किताब को नाज़िल किया, मिन्हु आयातु मुहकमा, इसकी जो बाज आयात है इसके अंदर जो वो मुहकम है, क्लियर कट है, हुक्म का दर्जा रखती है, और हुन्ना उम्मल 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 किताब, ये यानी जान है, ये माँ है इस किताब की, जो मोकम आयात होती है, मैंने कुछ पेश भी किए पहले भी फिर दोबारा भी कर लेंगे, हुन्ना उम्मल किताब, यानी उसका दूसरा कोई तर्जमा हो ही नहीं सकता। वह इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, अल्लाह खालिक कुल्ली शैइन व हुवा अला कुल्ली शैइन वकील, इसमें तो कोई एम्बिगुटी है नहीं कि खालिक अल्लाह पूरी कायनात का, तो अल्लाह कह रहा है कि वह उखरा मुतशाबिहात, यानी कुछ ऐसी होती है मुतशाबिहात, यानी शुबा नहीं है, शुबे बाई नहीं कहते हम, यानी मिलती जुलती आयात होती है, समझना होता है, और उसको मोहकम के नीचे जब आप रख के उसका तर्जमा या तशरीह करेंगे तो वो भी मोहकम बन जाती है, वो मुतशाबे जो होती है ना, यानी उसके मुख्तलिफ उसके मीनिंग बनते हैं, वो आपने करीब तरीन लेके जाना उसको मोहकम के, तो वो भी मुतशाबे जो है मोहकम बन जाती है। लेकिन अल्लाह कह रहे हैं कि जिनके दिलों में टेढ़पन होता है ना, कजी होती है, खुद कीड़े निकालने की ये बीमारी है, फअम्मल्ला जीना फी कुलूबिहिम ज़ैगुन फयत्तबिऊना मा तशाबहा, जिनके दिल में टेढ़पन होता है ना, जो कुरान की बात को निगेट करना चाहते हैं, अपनी बात को, अपना जो उसका गाती होता है ना, उसका फाहम या इदराक या उसकी जो ईगो होती है या उसकी जो यानी वो जिस इंसान के पीछे वो लग रहा है, वो चाहता है कि वो मेरी बात ऊपर आ जाए, कुरान के बाद जाती निगेट होती हो जाए ना, उस बेटा अपनी बाल को ऊपर करना चाहता है, ये जैग होता है दिलों में, टेढ़ पान कहते हैं ना, क्रैक्स होते हैं दिलों के अंदर, वो ये चाहते हैं कि हम मुतशाबिहात की जो है ना वो पैरवी करें। फअम्मल लजीना फी कुलूबिहिम ज़ैगुन फयत्तबिऊना मा तशाबहा, लेकिन ये अल्लाह कहता है ये लोग क्या कर तावीले निकालते हैं फितना पैदा करने के लिए, लेकिन जो रासिखून फिर इल्म होते हैं मिन हुब्तिगाल फितनती वब्तिगा अताबी, यानी जो तवीले ढूंढते हैं उसके जरिए फितना बर्पा करते हैं मौशे के अंदर, वमा यालमु तावीला इल्लल्लाह, अल्लाह कहता है कि इनकी तावील जो है यानी इसकी जो जो उसमें से बात जो अक्स करनी निकलती है दरअसल वो अल्लाह को पता है कि फलाह आयत की फलाह बात की तावील क्या है, ये अपनी तावील है उसमें घुसने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह कहता है वर्रासिखून फिल इल्म, जिनके अंदर अल्लाह का जो इल्म है इनमें इलाही रासिख हो चुका होता है, जो हटते ही नहीं, जिनकी सोच मुस्बत बन चुकी होती है, वो टेढ़पन का शिकार नहीं होते, तो कहते हैं वो क्या कहते हैं रासिखून फिल इल्म वाले फराज होते हैं, यानी इल्म इलाही से जिनका कलब या मनबर हुआ होता है, यकूलून आमन्ना भी, वो कहते हैं हम तो भी ईमान लाते हैं चाहे वो मुतशाबे आता है या चाहे वो मोकम आए, तो हमारा दोनों पर ईमान है, यकूलूना आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंद रब्बिना, ये तमाम की तमाम जो है हमारे रब की तरफ से आई, वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अल्बाब, ये जो बात कही जा रही है तज़कीर कराई जा रही है याद दहानी कराई जा रही है ये किन के लिए, उलुल अल्बाब मा सिवाय उलुल अल्बाब के लिए, उलुल बाब जो इंटेलेक्चुअल्स है कुरान के इंटेलेक्चुअल्स जो जौहर निकालते हैं साथ निकालते हैं, यानी बहुत सारी आयात ये मुतशाबे है, ये जो हम आयत पढ़ रहे हैं ना
ये मुतशाबे आयत है, लेकिन जब आप उसको कुरान करीम के दीगर जो मुकामत उसके साथ मिला के रखेंगे उसकी आप अगुवाई और फिर बता आपको समझ होगी तो फिर वो भी मोहकम बन जाएगी। अब ये इस तजम से आप नहीं समझ सकते जब तक आपके सामने वो तमाम जो जो मुकामत आपके सामने ना हो। इक तारापति सा का पता नहीं चलेगा, वन शक्कल कवर वो तो कई जगह पर आया है। ये इसको मैं इंशाल्लाह आहिस्ता 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 आपके जहनों में बताने की कोशिश करूंगा। अब एक और बात मैं आपके सामने ला रहा हूँ अंकल, एक सवाल था मेरा इन पे, ये हुन्ना उमुल किताब जी इसका मतलब जी हुन्ना उमुल किताब यानी वो जो मोहकम आयात है वो है जिसे कहते हैं माँ, जहां से फूटनी आयात आगे सब क्लासेज यानी मेन क्लास के साथ सब क्लासेज होती है। आप इनकी देखे ना ये जो वो क्लास के पास होती है ना इनकी किताबें मैंडेटरी प्रोविजन होती है उसके अंदर ना एक क्लास मेन क्लास होती है, नीचे सब क्लासेज होती है, सब क्लासेज को मेन के साथ पढ़े तो फिर समझ आएगी। इसी तरह कुरान करीम में जो आयात है ना वो मोहकम मोहकम भी जिसमें कोई एम्बिग्यूटी नजर नहीं आ रही बजाय किसी किस्म की। ये जो मुझे अभी दो आयतें पढ़ी है अल्लाह खालिक कुल्ली शय, इसमें क्या एम्बिग्यूटी है बाबा कि अल्लाह खालिक है। एक एग्जांपल वो भी थी ना जिसमें ये जो सूरह जो आयतुल कुर्सी और आयतुल कुर्सी से ऊपर वाली 250 वो मैं पहले बताइए फिर बताती हूँ, अभी पहले इसको चलने दें थोड़ा सा ना। हुन्ना उम्मुल किताब का मतलब जो मोहकम आया था कुरान करीम के अंदर वो माँ है, वो जान है, वो उसके साय में आपने दूसरी चीज सब क्लासेस को लेना आपने फिर दोनों ही मोहकम बन जाएंगे। फिर इतनी बात समझ लें आप ठीक है, यानी मैंडेटरी प्रोविजन जो है जो हमें बहुत सारी आयात है मौकम की मैं मिसालें दे सकता हूँ मुतशाबे की भी दे सकता हूँ, लेकिन सिर्फ मैं आपका जेन थोड़ा ना करके आप कुरान के साथ जोड़ रहा हूँ, ये मेरी इसमें कोई बात नहीं। अगर मेरे जेन में कोई ऐसी हो ना कि मैंने गुजरनी है वो बात ही होनी चाहिए, वो गुनाह है अपने ख्याल को इसके अंदर शामिल करना। इसके मुताबिक आप चलें तदब्बुर करें, तदब्बुर करें उसमें कमी पेशी हो सकती है। हमारा इल्म जो है वो हमारा फाइनल नहीं है, किसी भी इंसान का इल्म फाइनल नहीं हो सकता। अल्लाह के इल्म के हवाले से हमारा इल्म कहाँ फाइनल हो सकता है, वो तो आने वाला इंसान आखिरी जो आएगा वो डिसाइड कर लेगा। हमें जरूरत भी नहीं अपने आप को बहुत हकीम समझने की, बहुत बड़ा अल्लामा समझने की, हम स्टूडेंट ऑफ कुरान है और कुरान स्टूडेंट ऑफ कुरान ही रहना चाहिए। गलतियां भी होती हैं इंसान से, फाइनल मत कहें उसको, उसकी हर वक्त इस्लाह की गुंजाइश रखनी चाहिए। तो अब ये देखें मैं आपको कुछ आयात दे रहा हूं, ये पढ़ें जी आप 6:33 से शुरू करें। ये मैंने बताया ना सुच्चे मोती, कई दफा मैंने मुंह से निकली है बात, ये सुच्चे मोती अनमोल मोती, इनका मोल नहीं है कुरान आयात का। देखे जरा 33 नंबर, जब तक आपके जेन में ये मुख्तलिफ मुकामात नहीं होंगे वो एक तरापति साथ कल कवर समझ ही नहीं आएगा, और उसके अंदर तो और बहुत जबरदस्त आएंगे आयात उसके अंदर, एक एक लफ्ज समझना आपने इंशाल्लाह, वरना तो ये रिवायती सा बन जाएगा हमारा कुरान के। मैं नहीं चाहता, मेरी तमन्ना ये है, मेरी यानी मेरे दिल की सोच ये है कि कुरान करीम के आपको करीब से करीब तक लेके जाऊं इंशाल्लाह, उसके जो मफाहीम है कोशिश करूं। बाकी अल्लाह ताला हमें कमियां कमियां दूर पर माने वाला है, वो इस्लाह करने वाला है, हर वक्त मजा इस्लाह के मुकाम पर है। कोई अगर उससे बहुत बेहतर सोच आती है तो हम इसलिए नहीं कि मैंने ये बात की तो मैं क्यों छोड़ू, ये बात नहीं, पीछे हटना पड़ेगा। तो पढ़े जरा कद नअलमु इन्नहु ला यहज़ुनुका إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. That such people say grieves thee indeed. Well do we know that what such people say grieves thee indeed, yet behold it is not thee to whom they give the lie, but God's messages do these evildoers deny. ये देखें अल्लाह ताला ने यही बात वहां चल रही है कुरान करीम में बेशुमार मुकाम ऐसे आएंगे, ये मुकाम जो यानी वहां भी मुखालिफिन के साथ डायलॉग चल रहे, और उन डायलॉग में से एक डायलॉग ये है कि वो घड़ी आने वाली है भाई, इक तारापति सा
वन शक्कल कमर, जब चांद शक पड़ जाए, यानी उसके अंदर शक, इसे कहते हैं ना फट जाना, शक का मतलब शक का फटन का फटने को कहते हैं या तबाह होने में। तो बहरहाल वो देखेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ बैकग्राउंड बता रहा हूँ, आपको आपका जहन बने, क्योंकि माशाल्लाह आप पढ़े लिखे लोग, आपको हम यानी ये नहीं कि हम नाउस बिल्ला माजल्ला आपको बेवकूफ ना आगे आगे चले जाए, नो, ये रवैया होना नहीं चाहिए, अनपढ़ों के साथ नहीं होना चाहिए। कुरान है, कुरान को आप अपने आप को तालिब इल्म, मैंने पहले ही बताया तालिब इल्म समझे, कमियां कजियां हर बंदे के अंदर मौजूद है। तो ये देखे आयात कहते हैं कद ना आलम, ये भी मुखालिफिन से बात हो रही है, अल्लाह कह रहा है कि हम जानते हैं, ना आलम हूँ, अल्लाह खुद अपने आप से आपकी तरफ अपने आप तरफ देखे जा रहा है, ना आलम हूँ मैं, हम जानते हैं, इन्नहु लयहज़ुनुका, क्या आपके दिल को रंज पहुंचा रहे हैं ये, इनकी बातें जो है ना मुखालिफिन की, आपको से हुज़न पैदा हो रहा है, यानी परेशानी लाहक होती है आपको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है इन्ना इन्ना हु लाया जुनु का प्रोनाउन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और हुजन क्या है, हुजन हाजाना, हुजन होता है कि यानी कोई ऐसी आपको ना वो लाहक हो जाए कोई गम, क्या आपको परेशानी लाहक होती है इनकी बातों से, इन्ना हु क्या आप बेशक हुजन आता है आपके अंदर, अल्लाह जी यकूल ना, ये जो कहते हैं आपको मुखालफिन आपके, तरह तरह के इल्जाम भी लगाते हैं और आप बात का इनकार भी करते हैं जो आप कह रहे हो, अल्लाह जी यकूल हो ना, ये जो कहते हैं ना उससे आपको हुजन पैदा होता है, यकीनन हम जानते हैं ये बात, फइन्नहुम ला युकज्जिबूनका, अल्लाह कह रहे हैं बात सुनो, आपने रसूल से कह रहे हैं, फइन्नहुम के पस वो लोग जो है ना मुखालफिन, खास तौर पर मक्का के अंदर चलते, बहुत ज्यादा शिद्दत थी मुखालिफत की, वो क्या अल्लाह कहते हैं ला युकज्जिबूनका, ये आपके इन पर्सन आपकी तकजीब नहीं कर रहे, पर्सनैलिटी की तकजीब नहीं कर रहे, क्योंकि पर्सनैलिटी तो उनके सामने पैमान चढ़ी थी, जिसको सूरह यूनुस ने बताया था फकद लबिस्तु फीकुम उमरन मिन कब्लिही अफला तअक्लून, एक ही तो पर्सनैलिटी है जिसके ऊपर कोई बंदा दुनिया का कोई आने वाला इंसान आखिर तक भी उंगली नहीं उठा सकता उनके कैरेक्टर के ऊपर, कैरेक्टर पे नहीं कहते थे वो, उनके कैरेक्टर के मुताबिक वो तो कहते थे सादिक और अमीन है। तो फरमाया के बाद ये है ऐसू इन्नहुम ला युकज्जिबूनका, ये तकजीब आपकी नहीं कर रहे, आपको नहीं जुटला रहे इन पर्सन, वलाकिन ज़ालिमीन बी आयातिल्लाही यजहदून, जो जालिम है ना ये मुखालफत जो आपकी कर रहे हैं ये आयातुल्लाह के बारे में झगड़ा कर रहे हैं आपसे, मेरे मेरे प्रोग्राम के बारे में, मेरी आयत के बारे में झगड़ रहे हैं, तो आपको क्या मसला इसमें, भी आपके ऊपर ज्यादा हो गए, बात तो मेरी आप पेश कर रहे हैं, आप जाति बस बात तो नहीं पेश कर रहे, भला किन्न जालिमीन है, लेकिन ये जालिम जो है भी आयातिल्लाही यजहदू, बहस और तकरार झगड़े, ये तो मेरी आयात के बारे में कर रहे हैं ना, आपको इसमें क्या, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी नुमाइंदे थे अल्लाह ताला की, परेशानी तो आती है बंदे, इतना बड़ा मिशन उठाया हुआ और सामने से रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा हो, इस कदर शिद्दत, अगली आज पढ़े, ये अल्लाह ताला अपने रसूल को ढारस दे रहे हैं किस्म की ना, मोटिवेट कर रहे हैं, स्टैंड दिला रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं उनको जहनी और जिस्मानी तौर के ऊपर, आगे बढ़े, كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى آتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين and indeed even before thy time have apostles been given the tale and they endured with patience all those charges of falsehood and all the hurt done to them till scorn came unto them from us for there is no power that could alter the outcome of God's promises and some of the histories of those apostles have already come within thy ken ye hai quran kareem samajhne ka andaaz tarika ka kazalik ansariful ayat wal yaqulu darasta फेर फिर के लाता है कुरान बातों को समझाता है। तो अल्लाह कहता है वलकद कुज़िबत रुसुलु मिन क़ब्लिका, ये फिर प्रोनाउन आ गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि देखें बात ये है
आपसे कबल जो रसूल आए ना, तकजीब तो उनकी भी होती रही है। वलकद कुजीबत रसूलुन मिन कबलिका, कह रसूल आपसे कबल जो रसूल आए, पैगंबर आए थे, उनको भी झुठलाया गया था। कुजीबत काजाबा, तो अल्लाह फरमा रहा है फसाबरू आला मा कुजीबू। रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या गया कह जा रहा है, तलकीन की जा रही है सब्र की। सबर बहुत बड़ी, बहुत बड़ा आसरा होता है इंसान के पास। जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, भागना शुरू कर देती है। अगर गाड़ी में पेट्रोल की 2 करोड़ की, 10 करोड़ की, 20 करोड़ की जा रहा है, तेल ही नहीं उसके अंदर, तो इंसान के सबर जो है ये तेल का काम करता है। अल्लाह ने बहुत ज्यादा इस पर तरकीब की है सबर की। पहाड़ भी टूट पड़े आपके ऊपर, आप सबर बहुत बड़ी चीज है, वो बंदा झेल लेता है सबर से। फसाबरू, बस आप इस्तकामत दिखाओ, पेशेंस दिखाओ, आला मा कुसिबू, ये जो आपकी तकजीब कर रहे हैं ना, आपने पेशेंस से काम लेना है, एग्रेसिव नहीं होना। मक्का में सिर्फ सबर ही तलकीन गई की गई है, कितनी परसिक्यूशन हो रही थी उनकी, कितनी मारे पड़ रही थी उनके साथ में, सोच नहीं सकता बंदा, समझ से बाहर आ रहा है कि इंसानों के ऊपर इतना तशद्दुद किया उन्हें मान वालों के ऊपर, तो अल्लाह पेशेंस कह रहे हैं भाई आपने अग्रेसिव नहीं होना। ये स्टेज होती है, ये तरबियत है, हमारी भी तरबियत इन आयात के जरिए हो तो हम भी बड़ा कुछ बन जाए। एक सेकंड से पहले हम अपने आप जो है ना वो तिल मिला जाता है इंसान, फलाह ने मुझे ये बात कर दी, अच्छा मैं करता हूँ ठीक इसको। तो अल्लाह सब्र की तलकीन देना सुलों का तार है, कितनी शिद्दत थी उनकी मुखालफत, कितनी शिद्दत से मुखालफत हो रही थी। अगर सब्र ना होता तो वह तिया पांचा हो जाता दोनों तरफ से उसी वक्त, तो फिर इनकलाब बर्पा नहीं होना था, जल पड़ते, हाथा पाई हो जाते, कुछ भी करते, वो तो पहले तैयार थे मारने को। तो अल्लाह हमारा फसाबरू अला मा कुज़िबू व ऊज़ू, ये जो तकालीफ आपको दे रहे हैं, तकदीब कर रहे हैं, अजियत दे रहे हैं, आपने पेशेंस से काम लेना, बहुत बड़ी अल्लाह ताला की ढारस होती है जिसको ये मिल जाए। सबर बहुत बड़ी इनाम है अल्लाह का, जिसके अंदर ये आ जाए एकदम हम गुस्से में फेरा को होगी क्या कर लेते हैं, बात करके जाएगा, छोड़े छोड़ना नहीं इसको, मैं जो मुआशा कर रहा है इसमें कर रहा है, सब भी है ना, कोई बर्दाश्त है मुआशे के अंदर, कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो आगे अल्लाह कह रहे हैं हमारी मदद का इंतजार करें आप, और टाइम तो आना है, साथ तो आके रहनी है, हत्ता हमारी बात में कभी तब्दीली नहीं पाओगे, जो हम कह रहे हैं वो होके रहना है, अता नसरुल्ला होके रहना है। तो अल्लाह कह रहा है वला मुबद्दिला, हमारी बात अनचेंजेबल होती है भाई, जो कह दिया उसको कह दिया, जैसे कह रहा पत्थर पे लिखी है, कभी चेंज नहीं हो सकती बात अल्लाह ताला की, हो ही नहीं सकता, अल्लाह का कानून चेंज नहीं होता। वला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाह, तो अल्लाह हमारा वलकद जाका मिन नबइल मुरसलीन, देखे आपके पास मुरसलीन की नबा आ चुकी है ना, पहले अंबिया ने कितनी कितनी बेर की, कितनी कितनी बताते रहे जहाँ पे नूह है, साढ़े 900 साल तक लगे इस काम में, आखिर क्या हो रहा है, तबाही तो भाई तो उनकी हो गई कौम की, लेकिन उन्होंने इतना पेशेंस दिखाया, इतना सब्र दिखाया, कितना कि मजाक वाली बात है, 950 साल सही ना, इतना ही सामने लेन देते तो बाद सामने बादशाह करे कौम है ललकार रहे हैं, लेकिन सब्र के साथ चले हैं प्यारा किसी अली मूसा साहब देखने, जड़े जितने भी आ है देखे उनके मसीह साहब देखे आप, तो अल्लाह कह रहे वाला कल जा आका मतलब आ गई आपके पास, मिन नबा इल मुरसली, नबा तो आपके पास आ रही है, तो खबरें मुरसली जो आपसे पहले गुजरे हैं वो सारी आपको दे तो रहे हैं, बता तो रहे हैं, और ये हमारे लिए भी पिछड़े रहा है वो अंबिया के वाकया जो। अब आगे ये जो बात है ना 35 नंबर, ये मैं आपको इधर इसलिए लेके आऊं थोड़ी तमहीद के तौर पर, इस समझ लग जाए कि मुझे दिखा दिखा के अगर उन्होंने कुछ करना होता ना कौमों को, तो फिर अल्लाह कहता है तुम्हें दरमियान में लाने की जरूरत क्या है, यानी दूसरे के अकल को मौफ करके आजस करके किसी को हमने दिखाना हो अपना, तो फिर वो कहां की वो उसकी इंसान की जो अल्लाह ने दी है उसको अपनी मर्जी से च्वाइस ले, च्वाइस करे वो हिदायत का रास्ता ले या वो गुमराह हो जाए, वो च्वाइस किधर गई, वो तो खत्म होगी फिर,
अल्लाह कहता है वाहद ही ना नजदे, हमें दो रास्ते दिखाएंगे हम इंसान के, अल्लाह कहता है उसके अख्तियार पर जो है ना वो जिसे कहते हैं कब्जा नहीं करता अल्लाह, वो खुदा छोड़ता है उसको, बता देता है कि सही काम करोगे ये रिजल्ट, बुरा करोगे ये रिजल्ट, वो भटकरी भी आ जाती है। तो अब ये देखिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, बड़े भी वइन काना कबुरा अलैका इरादुहुम जाहिलीन। ये रसूलुल्लाह को कहा है आप अल्लाह तबारक वताला हमारा कॉन्सेप्ट देखें और अल्लाह की ये देखें बात, ये मोहकम आयत है, ये इसमें कोई शक नहीं है, ये है मोहकम आयत। And if it distress thee that those who deny the truth turn their backs on thee, why then if thou are able to go down deep into the earth or to ascend a ladder unto the heaven in order to bring them a yet more convincing message, do so. Remember that God so willed, had God so willed, he would indeed have gathered them all unto his guidance. Do not therefore allow thyself to ignore God's ways. ये जो हमारे जहनों में ना वो देख मोजा दिखा दिखा के कायल करते रहे, ये मोजा, ये अल्लाह ने इतनी जबरदस्त ये आयत मुबारक यहाँ रखी है, मोमिन बिल कुरान अगर इसको सही तौर पे उसका इदराक कर लेना तो सारी समझ आ जाएगी। ये कहते थे उनका मौज है शक्ल कमर, और उस पर बड़ी जनाब कहानियां किस्से और नातें और कवालियां गा गा के लोगों को जताया गया, और जो इनकार करता है उसको तो वैसे ही फर्क कर देता। बात इनकार हमें हमारे इनकार की बात नहीं है, इकरार की बात नहीं है, कुरान के सामने रखे बात अपनी, वो इकरार करता है कि इनकार करता है उसको देखे वो क्या करता है। हम कौन होते हैं किसी बात का इनकार या इकरार करने वाले, हमारे पास तो कोई अथॉरिटी नहीं, अथॉरिटी कुरान करीम है, कोई बात भी आए हमारे सामने इसके सामने पेश कर दे अगर ये तस्दीक, क्योंकि ये कल हमने पढ़ी थी आयत कि कुरान जो है ये मुसद्दिक है, ये तस्दीक करेगा तो बात सही होनी है, वेरिफिकेशन इसने करनी है। 692 में कल हमने देखी गया, दोबारा भी करवा लेते हैं। तो अल्लाह हमारा है कह रसूल व इन काना काबुरा अलै का फिर प्रोनाउन है, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी का कायम मुकाम है उनका प्रोनाउन है उनका, कह रसूल अगर इनकी ये बात कि ये कुरान से एराज बरत रहे हैं, बात नहीं मान रहे आपके, एराज बरत रहे हैं, कन्नी कटा रहे हैं, बैकवर्ड करने हैं, आप इनको समझा रहे हो लेकिन ये नहीं समझ रहे, वो भाग जाते हैं, एराज बरते हैं, और ये बात आपको अगर बहुत शाक गुजरती है ना, काबुरा अलैका काबुरा का मतलब बड़ी नागवार गुजरती है आपके ऊपर, ये बात सही है नागवार तो गुजरती थी, तो अगर एक ये बात नागवार गुजरती है आपको तो आप फिर ऐसा करें अगर आप में हिम्मत है ना ताकत है ना फता, ये रसूल से कहा जा रहा है गौर करें ना इस बात के ऊपर, फिर अगर आपके अंदर ताकत है इस्तात है आप खुद रखते हैं इस बात के ऊपर तो आप ऐसा करें अन तब तागी या नफकन फिल जमीन में कोई स्रोत खोल दो, फिर ये रसूल से कहा जा रहा है मेरे भाइयों हमें तो ये आया का इराक ही नहीं है ना, हजारों दफा पढ़ी होंगी लोगों ने इस्तता, तो आप समझते हैं ना ताकत होना कुवत होना, अगर आपके पास इतनी ताकत है अन तब तागी नफाकन लगाए फिर सुरंग खोदे जमीन को अर्ज को खोदे और सुल्लमन फिस समा या फिर कोई सीढ़ी लगा ले ऊपर आसमान के ऊपर चढ़ जाए आसमान के ऊपर, ये किसको कहा जा रहा है भाई, और सुल्लमन फिस समा या लगा ले आप सीढ़ी पे आसमान तक जो पहुंचती है फताती हम भी आया लाए वहां से मोर्चा पे निकाल के ले मोर्चा इनके लिए जिसको मान ले आपकी बात को, जी देखे जरा इतना बड़ा रस पैगंबर इतना बड़ा रसूल इतना बड़ा दाई इनकलाब तो जवाब क्या आ रहा है उनको, समझ रहे बात आप, फता किया हूं भी आया ले गए वहां से कोई आया कोई मोर्चा लाए दिखा दे इनको जिससे कि आगे सिलेंडर कर दें, ऐसे नहीं होता, अल्लाह ताला रीजनिंग की बुनियाद पर समझाता है बात को, नहीं समझता समझे उसका मसला।
मोजद खा खा के अल्लाह ने नहीं किया, वो कहता है कि मोजद खाने होते, वो पहले आए तो है निशानियां देख परसों झुके थे उनके सामने, वो कोई इतना बड़ा अजहा बन गया जो मुसल सामने फेंका जो लाठी को कहते बड़ा बड़ा, तो फिर भी नहीं वो माने, छोटा मोजा था वो, हाथ बगल से निकल रहा है चमक रहा है, तो फिर भी नहीं मान लाए वो। तो अल्लाह ने कहा ये ईमान लाने वाले ऐसे ईमान नहीं, हमने हमारा ये काम नहीं है कि इनको अकल को मार के अकल को मौत करके हम जो है वो कर दें, ये काम तो अगर करना होता है ना बलाऊ शाह अल्लाह, अगर ये अल्लाह की मशीयत होती निशानियां दिखा दिखा के ढेर करना इनको, इनको आराम करना है, तो लजमाहुम अलल हुदा, वो सबके साबे हुदा पर होते, वो जैसे दूसरे मखलूकात है भेड़ बकरी है अल्लाह की हिदायत के मतलब चल रही, ये उड़ने वाले जानवर हैं, दरिंदे हैं, परिंदा है, चरिंदा है, पूरी कायनात उसके कानून के मुताबिक चल रही ना, तो इसको बिचारे थे इसमें क्या मसला था, तो सब के सब हुदा पर होते, लेकिन उस उनसे फिर कोई बाजपोस नहीं होती, बाजपोस उससे होते जिसको अख्तियार दिया गया, उससे पूछा जाता है तुमने ये अख्तियार दिया तुमने क्या किया इसका, तो उनके उनको जो भेड़ बकरियां या दूसरी स्पीसीज है अदर देन इंसान, उनसे तो कोई हिसाब किताब नहीं भाई, क्योंकि अख्तियार ही नहीं, जितना अल्लाह ने कहा उनको उसके मुताबिक उस डगर पर चली जा रही है मखलूक, मक्खी का काम जिस काम पे लगाया शहर की मक्खी वो लाती है वो सिस्टम में चलती जा रही है, भेड़ बकरियां हैं वो कभी गोश्त नहीं खाएंगी, उनकी सृष्टि में शामिल ही नहीं गोश्त खाना, वो गोश्त खिलाती लोग जानवर जितने भी हैं ये खाने वाले गाय है बैल है ऊंट है, क्या वो गोश्त खाते हैं, हम उनका गोश्त खाते हैं, वो बेचारे घास भोज खा के हमारे गोश्त बना देते हैं, तो अल्लाह कह रहा है कि अगर हमने ये काम कर अगर हमारी ये मशीयत होती वलौ शा अल्लाह, अगर अल्लाह का ये कानून होता ये मशीयत होती तो लजमा अहुम अलल हुदा, तो सब के सब ही को हम हिदायत देते, एक ही डगर पर चलने वाले एक ही सृष्टि उनकी होती जैसे दूसरों दूसरी स्पीसीज की है, फला तकून ना मिनल जाहिलीन, तर्जमा करे जरा इसका, रसूलुल्लाह कहा जा रहा है भाई ये जहालत की बातें हैं, मोजे लेके आओ मोजा दिखाओ, ये हम नहीं करेंगे ऐसा, आप इन जोहला की जो कॉन्सेप्ट है ना उनकी बातें ना करें, उनमें शामिल हो जाए आप, ये रसूलुल्लाह कहा जा रहा है, फला तकून मत हो जाए आप मिनल जाहिली, बताए जरा कितना बड़ा पैगंबर कितना बड़ा रुतबा है उनका, तो अल्लाह के रसूल ने जब उन्होंने बात शुरू की है ना मुआशरे के अंदर, तो उन्होंने अपने किरदार को पेश किया भाई, सबसे बड़ा किरदार जो था ना मोजा वो उनकी जात थी, वो उनका करेक्टर था, करेक्टर करेक्टर जो है इंसान का बहुत बड़ा मोजा था, ये देखे आयत नंबर 16 है 10 की, ये आयत नंबर 10 पढ़ लेगा, ये नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजा है जो क्यामत तक रहना है, सूरह यूनुस की आयत नंबर 16 पढ़े जरा, قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. Say had God willed it otherwise I would not have conveyed this divine writ unto you nor would he have brought it to your knowledge. Indeed a whole lifetime have I dwelt among you ere this revelation came unto me. Will you not then use your reason? हाँ ये है अल्लाह ताला के रसूल का करैक्टर, उन्होंने अपना किरदार पेश किया है मुआशरे के अंदर, करैक्टर की इंतहा किरदार की बुलंदी सीरत किरदार उन्होंने पेश करके लोगों को बताई है बात, मोजे दिखाना तो सुन्नत नहीं है, और अल्लाह ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि बात तो आप कर सकते कर लो भाई, ये आयात अगर वो आए मैं इंशाल्लाह आपको इसलिए बैकग्राउंड समझा रहा हूँ, चीजें बहुत सारी आपके सामने ला रहा हूँ ताकि वो समझ आए आपको ये शक्ल कमर क्या है, खुद बहुत ही आप सही लाइन पर आ जाएंगे, इंसान की जो फिक्र है ना उसको जिला बख्शता है कुरान, उसको बसीरत आ करता है, ये बसीरा की किताब है, तो अल्लाह कह रहा है कि इनसे कहें ऐ रसूल आप कहें अनाउंस करें, अगर अल्लाह की मशीयत ये होती लव शाह अल्लाह, अगर अल्लाह चाहता माता लो तो मेरी क्या जरूरत थी मेरा क्या मुकाम था
मैं कैसे तुम्हें ये तलावत तुम्हारे पेश कर रहा तुम्हारे ऊपर आया, मा तलाउ तो कुम मा तलाउ तो अलैकुम, ना मैं आपके ऊपर ये पेश कर सकता पढ़ा सकता ये कुरान जो है, वला अदराकुम भी ना ही तुम्हें इदराक देता। अगर अल्लाह की मसीहत ये होती, अल्लाह की मशीयत ये है कि फकद लबिस तो फिर तुम उम्र मिल कबल ही अपला था के मैंने तुम्हारे अंदर जिंदगी का एक बेशतर हिस्सा गुजारा है। नबूवत के मिलने से पहले कहते हैं 40 साल का हिस्सा गुजरा था, तो वो खुद देती थी गवाही कौम कि ये एक सच्चे की एक ईमानदार की जिंदगी गुजारी आप, ये होता है साधु और अमीर करेक्टर। कोई उठाए तो फिर वही उनके कैटर के ऊपर, किसी का हक मारा हो, किसी का माल खाया हो, किसी के चल ज्यादा की हो, बताया तो सही कोई, वो तो बल्कि लोग मानते उनके पास भी खाते थे आके और मिलती थी उनको वापस। फकद लबिस तो फीकुम फीकुम उम्र मिन कबल ही अपला ताकिलू, अकल तो इस्तेमाल करो, क्या कर रहे हो तुम कि ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये भी तो मैं ही कर रहा हूं ना, जिसको साधक और अमीन की आपने डिक्लेयर किया हुआ है, तो मैं मुझे क्या जरूरत है गलत बयानी करने की आपके सामने। ये अल्लाह की बातें हैं, अल्लाह का कलाम पेश कर रहा हूं तुम्हारे को, अगर उसकी मशीयत ये ना होती मैं पेश करता तो फिर मैं ना करता पेश, ना तुम्हें समझा सकता। मेरी मेरी जिंदगी पर गौर करो, मेरी लाइफ देखो, फकद लबिस्तु फीकुम उम्रन मिन कबल, ये बहुत धर्म का अल्लाह ताला के रसूल का सबसे बड़ा मोर था उनकी साथ है, वो बेमिसाल है, कोई दाम दबा नहीं है उनके। तो इससे इससे बढ़कर इंसान इस इंसान पर भी तवक्कुल ना करे, मतलब ट्रस्ट ना करे तो फिर क्या। ये तो वो कह रहे थे कि मेरी जिंदगी आगे नमूना है भाई, चेक कर लो, ये बातें जो मैं कर रहा हूं ये अपने पल्ले से नहीं कर रहा, ये अल्लाह की बातें कर रहा हूं तुम्हारे सामने, वो घड़ी तो आके रहनी है, ताराबाद सा होके रहना है और शक्ल कमर भी होके रहना है। अभी मैं इसको इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे चलेंगे, फिर आपके जहन में ये बात समाई, मैं चाहता हूं आपके दिलों में ना खुद आप कहे कि ये बात सही लग रही है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं को फाइनल कर देंगे, फाइनल तो अल्लाह की जात है, उससे आगे कोई नहीं। तो इतना रख लेते हैं आज, क्योंकि इसमें जरा चाहता था मैं, क्योंकि आपके भी ये नया भी सफर है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपके जहन शादी होती जाएगी, इतना रख लेते हैं। वाफिर अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वबिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, दुआ कर लेते हैं। समिअना व अताअना गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़तना, रब्बना व ला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहू अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिह, واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ حضرت عالم قرآن کریم کے پیش کرنے میں کوئی غلطی لگی ہو سہو ہو گیا مولا مجھے معاف فرما، ہم سب جو اس درس قرآن میں شامل ہوتے ہیں افراد، میرے بھائی میرے بہنیں، یا مولا ان سب کے علم اور فہم میں اضافہ فرما، قرآن کریم کو سمجھنے کی استعداد عطا فرما، اور ہمیں اس کے جو آپ کے احکامات ہیں مولا ہمیں ان پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق